हेलो पाइसिस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टावर। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए मंथ की रीडिंग है, ईयर 2021, जो कि लास्ट ईयर है। और इस मंथ में विंटर्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। सो हैप्पी विंटर्स मंथ ऑफ दिसंबर 2021। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जैसे कि आपको पता है कि जनरल रीडिंग होगी, जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। नए मंथ की रीडिंग सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फॉर द मैसेजेस फॉर पाइसिस रिगार्डिंग दियर लव लाइफ इन मंथ ऑफ दिसंबर, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइसिस regarding your love life for the in month of December, or the messages for Pisces regarding your love life in month of December 2021, or the messages for Pisces. Okay, underneath aapka apna card hai, Queen of Cup. सो लेट्स सी के अदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं पाइसेस। टेन ऑफ कप्स, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, Four of Wands, Three of Swords, Seven of Wands, और आपके आउटकम के लिए दो कार्ड हो गए हैं जो कि आ गए हैं इत्तेफाक से। तो ये आपके दो कार्ड हैं आउटकम के, Nine of Wands एंड Seven of Swords। सो Pisces, अननीत के जो डेक कार्ड हैं, अननीत डेक के जो कार्ड हैं वो हैं जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो कोई पास्ट पर्सन जो है वो आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, या फिर आप किसी से रिकनसाइल करना चाहते हैं, या फिर वो मोहब्बत जो कि दफन हो गई थी बहुत अरसे से, अब वो मोहब्बत जो है आपकी दोबारा से रिजरेक्ट कर रही है। आप दोबारा से उस पर्सन के लिए मोहब्बत फील कर रहे हैं, फीलिंग्स आपकी दोबारा से उभर रही हैं जो कभी डेड हो चुकी थी, जो कभी ख़त्म हो चुकी थी, या आपने उन जो उन फीलिंग्स को दबा लिया था अपने दिल में, अब ये इस वक्त जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं आपकी उस पर्सन के लिए। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि वाटर साइन है आपकी तरह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस रिकन्सिलिएशन के लिए। रिकन्सिलिएशन के लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप बहुत अरसे से जो है उस पर्सन को स्पाई कर रहे थे, अब वो पर्सन आपको स्पाई कर रहा था, अब जो है आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा। आप चाह रहे हैं, आप दिल से चाहते हैं आपके ऐसा हो, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आप लुक कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ। हो सकता है वो कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो टूवर्ड्स यू, आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो अपनी तरफ, वो पर्सन इस तरह का है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्शनरी ओरिएंटेड, लाइक वो हर चीज़ का प्रैक्टिकल एक्शन लेने पे बिलीव करने वाला इंसान है, या फिर वो एक पर्सन है जो है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक्शन ले रहे हैं इस टाइम पर रिकन्सिलिएशन के लिए। जो भी रिकन्सिलिएशन अब आप चाहते हैं उस पर्सन से, उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्शन ले रहे हैं, मेच्योर डिसीजंस भी ले रहे हैं हर्मिट के साथ। लाइक आपके माइंड में यही है कि आप उस जो भी रिलेशनशिप है उसके हवाले से मेच्योर एक्शन लेना चाहते हैं अब, और आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 5% बैक आपकी लाइफ में आए। लेकिन आप तो अपनी तरफ से कमिटमेंट देना चाहते हैं उस पर्सन को, बट वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, हो सकता है
किसी और पर्सन में इन्वॉल्व हो, या फिर अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो वो पर्सन जो है अभी अभी किसी रिलेशनशिप से निकले हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो आपको उनको पहले प्रिकेट करना होगा। उसके बाद वो जब अपने इमोशनल सेल्फ से बाहर निकल आए तो उस जाके आप उस पर्सन के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप लाइक कमिटमेंट करना चाहते हैं उस पर्सन से जो पास का पर्सन है, और आप चाहते हैं कि अब आपकी जो फैमिली है उस पर्सन के साथ हो, या फिर आप सेलिब्रेट करें। इन मंथ ऑफ दिसंबर में कुछ सेलिब्रेशन है, अगर आप एरीज सैजिटेरियस से डील करें, अगर ये सैजिटेरियस हैं तो उनकी बर्थडे मंथ है दिसंबर, तो हो सकता है आप उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है उस पर्सन के लिए। बट यहाँ पर इसको जो ब्लॉक कर रहा है वो है मैजिशियन। एफर्ट्स में थोड़ी सी लैक है, या इसमें ये सिचुएशन हो सकती है कि आप एफर्ट आप उस पर्सन को चाहते हैं पर आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, या फिर उस पर्सन को कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। जो थर्ड पर्सन, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पर्सन उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन के साथ आपकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी ब्लॉकेज में जा रही है। उस पर्सन के साथ आपकी जो रियूनियन है या आपका उसके साथ कमिटमेंट है वो थोड़ी ब्लॉकेज में जा रही है, क्योंकि उस पर्सन को कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर। आप अगर अच्छे रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन के साथ, आपका रिकनसाइल हो चुका है उस पर्सन से, तो जो थर्ड पर्सन है वो इस सिचुएशन को पूरा बहुत इस पे नज़र है, उस पर्सन की नज़र रखी हुई है उस पर्सन ने। किसी ने, ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके सराउंड के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ सराउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो जो नहीं चाहते ऐसा, या फिर ये थर्ड पर्सन है जो ऐसा नहीं होने देना चाहता। आप इस पर्सन के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जी है। आप, हो सकता है आपसे बिहाइंड द सीन, या फिर इन मंथ ऑफ दिसंबर में अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी कमिटेड है, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, या वो उस किसी और पर्सन को चाहता है और ऑलरेडी मैरिड है, और उन्होंने ये चीज़ आपसे हाइड की हुई है, तो ये चीज़ आपके लिए जो है चैलेंज बन सकती है इन मंथ ऑफ दिसंबर में, कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड की जा रही हैं, यानी थर्ड पर्सन है और बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको आप उसको समझ नहीं पा रहे। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो किसी और से कमिटेड हो सकता है और प्लेयर भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो आउटकम है वो है सेवन ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चीटिंग, डिसेप्टिव एनर्जी, लाइज, नॉन सीरियसनेस, इमेच्योरिटी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इस पर्सन के अंदर। इसका आउटकम यही निकल सकता है। आप उस पास पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में तो वो पास पर्सन जो है आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन हो सकता है वो ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर आप जो हैं अपनी फीलिंग्स को दोबारा से उभारने की कोशिश करें किसी के लिए, और लेकिन आपको ये पता चलता है कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है और ये चीज़ आपको पता नहीं है, और हो सकता है आप रॉन्ग पर्सन को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में जो कि ऑलरेडी कमिटेड है यहाँ पर। आपको सोच समझ के फैसला करना है, आप समझ सोचना भी चाह रहे हैं, समझना भी चाह रहे हैं,
जब हो सकता है कि आपके ऊपर ये चीज़ खुले तो आप एक सोच समझ के फ़ैसला करें और मूव ऑन कर जाएं इस सिचुएशन से। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि आप जो हैं डिफेंसिव साइड पे रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें प्लेयर काइंड ऑफ पीपल से, रिकनसाइल करने से पास पर्सन के साथ, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है आपकी आपके माइंड में, आप जो हैं वो कमिटमेंट चाह रहे हैं उस पर्सन से, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है और आप जो हैं एक कमिटमेंट में जा रहे हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में, बट जो आपके साथ कमिटेड है, जो पर्सन जिसके जिसके अटैचमेंट आपके साथ है, वो पर्सन जो है वो हार्ट ब्रोकन फील कर सकता है, बट वो कोई मेच्योर एक्शन नहीं ले रहा टूवर्ड्स यू, दैट्स वाई आप किसी और से कमिटमेंट कर रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। आपकी तो मैरिज सिचुएशन है, बट वो पर्सन जो है हार्ट ब्रोकन है। अगर आप मैरिज कर रहे हैं इस मंथ में किसी से और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो आप जो पास पर्सन है वो हार्ट ब्रोकन हो सकता है इस सिचुएशन से। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स ऑफ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अगर ये पास पर्सन है, आप उसको मैनिफेस्ट करें, आप चाहते हैं वो पर्सन दोबारा से आए, या फिर वो आ भी रहा है और आपके साथ कमिटमेंट भी करना चाह रहा है, तो ये डिसेप्शन एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत डिसेप्शन एनर्जी है आपके साथ। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंस हो या किसी चीज़ का डिफरेंस हो जिसकी वजह से आप लोग एक पैचअप नहीं हो सकता आपका, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक शादी करें, तो हो सकता है वो उस पर्सन को लगे कि ये डिसेप्शन है। और या फिर आप अगर आप दोनों में कोई डिफरेंस है, आप पास पर्सन के साथ दोबारा से रिकनसाइल नहीं कर पाते और वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड होकर भी आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, तो ये डिसेप्शन एनर्जी है। आपको अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखना होगा, अपने आप को मूव ऑन करना होगा। आप रॉन्ग पर्सन मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में इन मंथ ऑफ दिसंबर में। सो यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस है कि आपको अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन एनर्जी हो सकती है। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट्स प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।